हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफिकल मेथड द्वारा लीनियर इनइक्वालिटीज का को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप लोगों ने, सभी बच्चों ने टू वेरिएबल्स के इक्वेशन को लाइन ड्रा कैसे करना वो आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जब हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो उसके दो पोर्शन होते हैं, या तो बायां या दायां। तो पहले पहले डायग्राम में आप देखेंगे दो तल दिख रहे हैं, लाइन के बाएं तरफ का हिस्सा अर्ध तल और लाइन के दूसरी तरफ दायां तल। यदि लाइन आपकी तिरछी लाइन में है तो लाइन के दो हिस्से होंगे, लाइन का ऊपरी हिस्सा या नीचे हिस्सा। तो कोई भी लाइन अपने तल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ऊपरी तल या निचला तल या बायां तल या दायां तल। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी लाइन किसी भी स्पेस को दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं। हमको यहां पर ये कुछ मेथड दी हुई है जिन पॉइंट हमको लाइन कैसे ड्रा करना है, तो हम इसको आप बच्चे नोट कर लें और इसका क्वेश्चन में हम यूज करके बताएंगे। इसको आप लोग नोट कर लें और इसको पढ़ते रहें, ठीक है। इसका यूज कैसे करना है वो हम क्वेश्चन में करके दिखाते हैं। अब हमको एक क्वेश्चन दिया है, इसको आलेखन विधि द्वारा हमको ग्राफ में निरूपित करना है। तो यह क्वेश्चन है पहला, तो सबसे पहले हम x प्लस y इक्वल 5 लेते हैं। सबसे पहले इसको लेंगे तो लाइन ड्रा करना है। आप टेबल बनाइए और इसमें x और y के मान लीजिए, यदि हमने x 0 लिया तो y 5 हो जाएगा, और यदि हमने y 0 लिया तो x 5 होगा। तो आप इसको ग्राफ पर देखेंगे तो यदि x 0 है तो y 5 पर है, ये वाला बिंदु हो गया, और यदि y 0 है तो x 5 यहां पर हो गया। फिर हम ये लाइन ड्रा की है, ठीक है। अब यदि हम ये चेक करते हैं कि यदि मान लो मूल बिंदु स्थिति हम इसमें देखते हैं, मूल बिंदु की स्थिति इसको संतुष्ट करती ही नहीं करती, तो हम यह समीकरण है x प्लस y लेस देन 5, मूल बिंदु की स्थिति को चेक करना है। तो x को मूल बिंदु क्या दिया होगा, x 0 और y की वैल्यू 0, कितना हो जाएगा 0 लेस देन 5। ये कंडीशन जो है 0 लेस देन 5, ये कंडीशन इज ट्रू, यह कथन सही है कि 0 जो है 5 से छोटा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यह जो लाइन है दो हिस्सों में बांट रही है, एक ऊपरी तल और एक निचला तल। ये कौन सा तल है, ऊपरी तल, निचला तल। चूंकि मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो मूल बिंदु जिस तरफ है, मूल बिंदु इसका क्षेत्र को संतुष्ट कर रहा है, तो यह इसके निचला तल जो है ये नीचे मूल बिंदु है, इसलिए यह जो रीजन है क्षेत्र है यह इसका
हल का क्षेत्र होगा सॉल्यूशन का, क्लियर, यह इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको यहां पर समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लेते हैं y इक्वल टू y प्लस 8 इक्वल टू 2s को ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो आप देखेंगे x y, क्लियर, तो यदि हमने x 0 लिया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 8, और यदि हमने y इक्वल टू 0 लिया x इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 लेने पर x इक्वल टू 4, यह पॉइंट आ गया, और यदि x 0 है तो y इक्वल टू 8, कहां पर है, ए वाला पॉइंट हो गया, क्लियर। अब दोनों को हम लाइन पर ड्रा करेंगे, तो इसको आप लाइन पर ड्रा करिए। यह लाइन ड्रा करो। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं चेक करेंगे कि मूल बिंदु 0 0 किस क्षेत्र पर है। तो आप देखेंगे कि y का मान 0 रखा प्लस 8 ग्रेटर और इक्वल 2 × 0, क्या आ गया x ग्रेटर और इक्वल 0। तो यह कंडीशन, यह जो है कंडीशन सही है। तो जिस तरह मूल बिंदु है वही उसका सॉल्यूशन का क्षेत्र होगा। तो मूल बिंदु चूंकि लाइन के बाएं तरफ है, तो आप यह वाला क्षेत्र है, यह क्षेत्र आपका सॉल्यूशन क्षेत्र हो गया, क्लियर। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, सभी बच्चे नोट कर लें और इसको करने की कोशिश करें। थैंक यू।